नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलका विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए नई रेसिपी लाई हूँ, हक्का नूडल्स, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। तो आज हम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। गैस चालू कर लेंगे और सबसे पहले हम नूडल्स को उबालेंगे। हम 3 गिलास पानी डालेंगे और अच्छे से पानी को बॉईल करके उसके बाद उसमें हम हक्का नूडल डाल के उसको निकालेंगे। उसके बाद हम नूडल्स बनाएंगे। हमारा पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे और इसके बाद हम हक्का नूडल इसमें उबालने के लिए डाल देंगे। हमारा नूडल्स रेडी हो गया है, अब इसे हम निकाल के ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। गैस चालू कर देंगे। तेल डालेंगे, तेल हमारा गरम हो चुका है। अदरक, ये लहसुन, हरी मिर्च, ये प्याज, गाजर, कांदे की डंठल है हरी पत्ती वाली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। अब हम इस सब्जी को तेज आंच पे भूनेंगे। अच्छे से इसे पकाएंगे, 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। विनेगर, सॉरी, ब्लैक सॉस है, ब्लैक सॉस, ब्लैक पेपर, विनेगर हल्का सा। हम फिर से इसे चलाएंगे। ये हमारी सब्जी पक गई है, अब इसमें हम नूडल्स डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। चलाने नहीं हो रहा है तो 2 चम्मच से हम चलाएंगे इस तरह। अब लास्ट में हम ये कांदे की पत्ती है हरी वाली, इसे डाल के अब हम प्लेटिंग करेंगे। हमारी नूडल्स तैयार हो गई है।